हेलो एवरीवन, आज हम आप सभी को घेर वाली सलवार की सिलाई करना बताने जा रहे हैं। इसके लिए हम पहले इसको पैंचा जो है हमारा उसको लेंगे इस तरीके से, और जो हमारी कली थी वो कली पैंचे में कली स्टार्ट जो है जॉइंट करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम जॉइंट करेंगे ऐसे रख के। अब हम दूसरी ज्वाइंट करते हैं। ये देखिए दूसरी उठा के हम इस उसी तरीके से हम इधर ज्वाइंट, एक पैच में दो कली ज्वाइंट करते हैं। अब उसी तरीके से हम दूसरा भी ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से रख के। देखिए ये हमारा सिल्क है, ये इतना रेडी हो गया है। अब हम इसमें म्याने अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ जो ये था कॉर्नर, यहाँ से रख के हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। दूसरी साइड दूसरा आला उठा के इस तरीके से सिलाई स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारे म्याने देखिए दोनों म्याने लग गई हैं। ये देखिए दोनों म्याने हमारे लग गई हैं। और अब हम इसकी बेल्ट तैयार कर लेते हैं।
यानी कि जोर जोर डाल के फिर नेफा मोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम और फिर इस तरीके से रख के ऐसे इस तरीके से जॉइंट हो गया। अब इसका हम नेफा बनाते हैं। इसके लिए इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर अंदर को ऐसे मोड़ देंगे इस तरीके से। अब हम मशीन चलाते हैं ऐसे मोड़ते हुए हम पूरा नेफा तैयार कर लेंगे। उसके बाद फिर इसमें हम सलवार चुन्नटे डालेंगे। देखिए हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। ये देखिए हमारी बेल्ट बन के रेडी हो गई है। ये देखिए अब हम उसमें प्लेट्स डालने के लिए पहले ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे कट करेंगे, कट का निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारे साइड का हो गया और ये हमारा बीच का है। अब हम इस तरीके से अब ये सलवार लेते हैं। देखिए सलवार यहाँ पे रखते हैं। अब हम पीछे भी दो दो या एक प्लेट डाल देते हैं इसके लिए कि बैठने उठने में भी टाइट ना हो। इस तरीके से अपोजिट साइड में प्लेट्स इस तरीके से ये देखिए एक प्लेट हम डाल देंगे। बाकी हम जहाँ तक हमने कट लगाया था कट का निशान वहाँ तक ऐसे ही सिल देंगे। देखिए इस साइड्स का भी हम सिल लेंगे। निशान लगा दिया। अब हम प्लेट्स डालेंगे। ये देखिए जो मैंने लगाई थी वाला पार्ट और ये जो बीच का होता है जहाँ पे हमने नारा डालने के लिए
जो हम बनाते हैं वहाँ पे ये इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब हम प्लेट डालना स्टार्ट करते हैं। हमारा इस तरीके से हम प्लेट्स डालेंगे जो अपोजिट जो ऐसे रहेंगे। देखिए इस तरीके से आप ज़्यादा चौड़ी भी डाल सकते हैं, हल्की भी डाल सकते हैं, आप जिस तरह से डालना चाहें। इस तरीके से हमारी प्लेटें अगर जिसको डायरेक्ट मशीन से बनाने में दिक्कत हो रही हो तो पहले सुई से बना सकता है, उसके बाद मशीन चला ले डायरेक्ट। ये देखिए एक साइड की हमारी प्लेट कंप्लीट हो गई है। देखिए एक साइड की कंप्लीट हो गई। अब हम इसी तरीके से दूसरी साइड भी डाल लेंगे प्लेट्स। ये देखिए हमारे प्लेट्स इस तरह कुछ बनके तैयार हो जाएंगी। अब हम मोरी के लिए मोरी बनाते हैं। इसके लिए हम पहले इंची टेप से नाप लेते हैं कितना है। ये देखिए 18 है, 18 है। अब हम इसमें भी 18 नाप लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए 18 हमारा है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। इस तरीके से मोरे में हम बकरम याला भी डाल सकते हैं और जो ऐसे आता है थान वाला उससे भी हम डाल सकते हैं। ये देखिए हम कपड़ा ले लेते हैं, थोड़ा सा कम है तो इसके लिए हम अलग से कट करके फिर इसमें ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए अब इस तरीके से हम इसके पहले सिलाई लगा लेते हैं। उसके बाद हम ये लेंगे और ये सीधी साइड से हम इस तरीके से रखेंगे इसको। देखिए और अब इसकी हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं।
बना सकते हैं जिस तरीके से आपका मन हो। ये देखिए हमारी मोरी बनके कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस तरीके से हम ऐसे ऐसे राउंड राउंड करके इस पर चला देंगे मशीन। एक बार अब हम दूसरी मोरी इसी तरीके से हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी दोनों मोरी बनके रेडी हो गई। अब हम इसकी फिटिंग लगाने के लिए हम करेंगे। अब हम इतना ही नापते हैं, हमको ये 7 की चाहिए मोरी, तो हम अपना 7 पे लगा लेंगे। ये देखिए और इस साइड भी देखिए 7 पे ही लगा लेंगे। अब हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। अब इसको हम सीधा कर देते हैं। ये देखिए हमारी शलवार बनके रेडी हो गई है। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।